हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में होम्योपैथिक फार्मेसी का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ओल्ड मेथड्स। ठीक है, इस वीडियो में ओवरव्यू में बताऊंगी, इसके बाद अलग अलग मेथड्स, अलग अलग क्लास को मैं अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि होम्योपैथी के मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन और मदर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर टिंचर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं जो होम्योपैथी की जो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसमें एफोरिज्म नंबर 264 to 272 में पूरा डिस्क्राइब किया है होम्योपैथिक मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंस के बारे में, कैसे प्रिपेयर और कौन सी क्लास से प्रिपेयर करते हैं। ओल्ड मेथड्स जो है टोटल 1 से लगाकर 9 क्लासेस तक हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में मदर टिंचर्स क्या होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि होम्योपैथी में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो मदर टिंचर्स को हम क्यों से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि होम्योपैथी में मदर टिंचर्स क्या होते हैं। तो ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एनिमल किंगडम। ठीक है, तो अपना किंगडम क्या होगा, सोर्स क्या होगा, वेजिटेबल हो सकता है या फिर एनिमल किंगडम हो सकता है। ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज अ व्हीकल। व्हीकल कौन सा यूज़ करेंगे अपन इसमें, स्ट्रॉन्ग व्हीकल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का यूज़ करेंगे एज अ व्हीकल। ठीक है, तो एक ड्रग सब्सटेंसेस जो कि वेजिटेबल और एनिमल किंगडम से प्रिपेयर होते हैं, जो हम सब्सटेंस बनाते हैं हम उसको बोलते हैं मदर टिंचर। ओके, क्यू से डिनोट करते हैं। अब जो हैनीमन थे उन्होंने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ओल्ड मेथड प्रिपरेशंस में क्लास 1 से लगाकर 4 तक मेथड ऑफ मदर टीचर प्रिपरेशंस बताई है। तो इसमें उन्होंने 4 क्लासेस में, सबसे पहले 1 क्लास जिसमें उन्होंने मोस्ट जूसी प्लांट्स को लिया था, ऐसे प्लांट्स जिसमें सबसे ज़्यादा जूस होता है उनको क्लास 1 में प्रिपेयर करते हैं। क्लास 2 में मीडियम जूसी प्लांट जिनमें मोस्ट जूसी से थोड़ा कम जूस होता है, 3 में जूसी प्लांट और 4th नंबर पे लीस्ट जूसी या फिर ड्राइड अप ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो रिवाइज करते हैं एक बार, मदर टिंचर्स क्या होते हैं। ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल और एनिमल किंगडम, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज अ व्हीकल। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं, 4 क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं, 1, 2, 3, 4। 1st में मोस्ट जूसी, मीडियम जूसी, 3rd में जूसी एंड 4th में लेस जूसी या फिर ड्राइड अप प्लांट। ठीक है, ये तो था पूरा मदर टिंचर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में मदर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इट इज़ अ ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस ऑफ। ठीक है, ऐसे ड्रग जो कि कौन से ड्रग सब्सटेंस से प्रिपेयर करते हैं अपन, मिनरल या फिर केमिकल सोर्सेस। ठीक है, इसमें सोर्स क्या रहेगा, मिनरल या फिर केमिकल सोर्स रहेगा। ठीक है, एज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल या फिर एक्वस सॉल्वेंट एज अ व्हीकल। ठीक है, या तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल लेंगे एज अ व्हीकल या फिर एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस का मतलब होता है वाटर। ठीक है, प्योरीफाइड वाटर, तो एक्वस सॉल्वेंट एज अ व्हीकल। ठीक है, प्रोसेस कौन सी यूज़ करते हैं, तो अब हम अल्कोहल और वाटर ले रहे तो ऑब्वियसली डिजॉल्व करके ही प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशंस को, तो डिजॉल्विंग इन प्रोसेस इन अल्कोहल या फिर प्योरीफाइड वाटर में। ठीक है, तो अब मदर सॉल्यूशंस को हम ओल्ड मेथड की क्लास 5th and 6th में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 1 to 4 था मदर टिंचर्स के लिए, 5th और 6th जो है अपनी क्लास अपनी मदर सॉल्यूशंस के लिए। तो क्लास 5th में हम लेते हैं एक्वस और 6th में लेते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। ठीक है, एज अ व्हीकल। ठीक है, तो जो 5th है उसको भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, 5th A और 5th B। तो ए में व्हीकल लेंगे जो कि लार्ज क्वांटिटी में, ओके, बी में लेंगे लेस क्वांटिटी में। ठीक है, ऐसे ही हमने स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को भी डिवाइड कर दिया है 6A and 6B। 6A में हम लेंगे लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल और इसमें लेस क्वांटिटी में। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं, मदर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो कि ड्रग सब्सटेंसेस, मिनरल किंगडम और केमिकल सोर्सेस से प्रिपेयर करते हैं। व्हीकल हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल या फिर एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग। ठीक है, मदर सॉल्यूशंस में क्लास 5th and 6th लेते हैं, 5th में एक्वस, 6th में
अल्कोहल, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में एक्वस सॉल्यूशन, लेस क्वांटिटी में एक्वस सॉल्यूशन। लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहलिक व्हीकल एंड लेस क्वांटिटी में अल्कोहलिक व्हीकल, ठीक है। ये था पूरा मदर सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, अब बात करते हैं कि मदर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो मदर सब्सटेंस जो होते हैं होम्योपैथी में, इट इज़ अ ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ एनी सोर्स, कोई सा भी सोर्स हो सकता है। हमने जो 9 सोर्सेस देखे थे उसमें से कोई सा भी सोर्स हो सकता है, वेजिटेबल, एनिमल, केमिकल, ओके। बट इसमें क्या है, सोर्सेस इनसोल्यूबल इन लिक्विड, ओके। ना तो वो अल्कोहल में सोल्यूबल होगा और ना ही वो एक्वस मीडिया में सोल्यूबल होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम मदर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ओके। तो फिर से पढ़ती हूँ मैं, इट इज़ अ ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सब्सटेंसेस ऑफ एनी सोर्स इनसोल्यूबल इन लिक्विड, ओके। ये याद रखना, तीनों में डिफरेंस करना आना चाहिए एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट, ओके। व्हीकल, इसमें व्हीकल क्या यूज़ करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग सॉलिड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई सा भी सॉलिड सॉल्वेंट है, मेनली हम इसमें यूज़ करते हैं सुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। और इसमें प्रोसेस जो है वो कौन सी यूज़ करते हैं, ट्राइचुरेशंस। ट्राइचुरेशंस और सकशंस दो प्रोसेसेस होती है, इनको मैं अलग से डिस्क्राइब करूँगी, ओके। ट्राइचुरेशन मोर्टार और पिस्टल में किया जाता है, इसकी भी पूरी अच्छे से प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मेथड में हम कौन कौन सी क्लास में मदर सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो 6 तक तो हमने देख लिया था, 7, 8 और जो 9 क्लासेस है उसमें हम मदर सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। तो जो 7 जो क्लास है उसमें ड्राई इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस लिखते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस लेते हैं 7 क्लास में जो कि ड्राई है और इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल है और ड्राई है। और जो 8 है इसमें लेते लिक्विड है बट इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ओके। और जो 9th है इसमें फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस लेते हैं जो कि पता है हमें इनसोल्यूबल इन लिक्विड, वही वाले लेंगे हम, ओके। तो ये तो था मदर सॉल्यूशंस, मदर सब्सटेंस और मदर टिंक्चर्स के बारे में। ओवरऑल आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।